गुड इवनिंग। अभी टाइम हुआ है साढ़े पाँच बज चुका है और अभी से मैं आज का जो वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और पूरे दिन नहीं बनाया वीडियो। और आज एक्चुअली लक्ष्मी पूजा है तो मम्मी के घर पे मैं हूँ, इधर ही हो रहा है लक्ष्मी पूजा। और लक्ष्मी पूजा जो है हम बंगाली लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उसको महत्व रखते हैं। लक्ष्मी पूजा जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बंगाली लोगों के लिए एक्चुअली, तो वही आज हो रहा है। बहुत सारा कुछ प्रिपरेशन चल रहा है लक्ष्मी पूजा के, और इधर देख रहे हैं आप जो मम्मी के जो मंदिर है लक्ष्मी माता के और कुछ भगवान के है साथ, तो यहाँ पे है। और बहुत सारा कुछ बनाया जा रहा है, मम्मी उधर कर रहे हैं। और मेरी बेटी का कल राइस सेरेमनी था तो बहुत सारा फोटो भी खींचे हैं, कुछ वीडियो, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, कुछ थोड़ा बहुत वीडियो बनाया है, तो वो मैं सारा अपलोड करूँगी एडिट करके, तो सब कुछ होगा। अभी नाम अभी कुछ टाइप ऑफ लड्डू बनाया जाएगा, जो कोकोनट होता है नारियल उसका लड्डू बनाया जाएगा, अच्छा। फिर जो और भी कुछ है वो मैं दिखाऊंगी। अभी थोड़े प्रिपरेशन कर लेते हैं, अभी बैठी हुई इधर ही। और इधर मेरी बेटी अभी उठ गया, सो रही थी। जैसे ही मैं कुछ करने गई थी उधर काम मम्मी के साथ, तब भी उठ गए। की बाबा मुझे बाबा। और इधर मेरी दीदी का बेटा अभी सो रहे हैं, लेटे हैं, अभी अभी उठाने के लिए बहुत ज्यादा सब बोल रहे हैं कि उठो उठो, आज लक्ष्मी पूजा है। और वो भी इस टाइम पे सोना ठीक नहीं है, शाम के टाइम पे बोलते हैं कि लेटे रहना अच्छा नहीं होता है, जिस टाइम पे शाम होता है। क्यों क्यों। और यहाँ पे है मेरी दीदी का बेटा, और यहाँ पे मेरी दीदी बहुत अच्छा क्या बोलते हैं आलपोना दिया है, और मेरी बेटी के पैर के निशान बना रहे हैं, लक्ष्मी के पैर के निशान। यहाँ पे देखिए अभी ये थोड़ा सा सूख जाए तो फिर दिखेगा ना, एक घंटा पोस्टर ऐसे सुंदर। हाँ ऐसा इस तरीके से जब सूख जाएगा और अच्छा लगेगा दिखने में। बाबा आशो आशो। अभी लक्ष्मी पूजा की तैयारी कुछ कुछ हो रहा है। यहाँ पे मम्मी और दीदी नारियल के लड्डू बना रहे हैं, नारियल और गुड़ के साथ। ये आगे तुम्हें साइड इन करो, फोन मिल दिए तो यहाँ पे मम्मी और दीदी नारियल का लड्डू बना रहे हैं, नारियल और गुड़ के साथ ये देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं जस्ट बैठ के वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मुझे बार बार उठना पड़ रहा है, मेरी बेटी है सबको पता है, उसके उसके साथ थोड़ी देर में सुसु पॉटी सब चलता है, इसलिए नहीं हो रहा है। और देखिए कितना अच्छा दीदी ने अल्पना लगाया, और बहुत सारे फ्रूट्स है इधर, ये सब कुछ रेडी करेंगे मम्मी दीदी। और পতিত
তার ছিল দুটো অসমর জন্মিকা করে যা পায় খায় দুই জনে তাই নারী ভাবে মনে করেছে কামনা নিরোগ প্রতিরে করে চরণে বাসনা বিলিয়ে গিয়ে রয়ে করে লক্ষ্মী কত প্রাচীনে হইবে তব সুখ পূর্ব মতো আরে ওকে বইটা দে, ও পড়বে তো, খুঁজছে, দেখ না কি করে। Shoot for us, we eat food when we have yeah. Food versus
ব্লু ফুড মেক্স আস স্ট্রং। तो आज मुझे ना एक बहुत अच्छे गिफ्ट मिला, वो भी सरप्राइज गिफ्ट, मतलब मुझे पता नहीं था कि ये मुझे मिलने वाले हैं। तो सवेरे जैसे मैं चाय बना रही थी तो आज एक्चुअली मेरी मम्मी का सवेरे थोड़ा तबीयत खराब था, एक्चुअली 2-3 दिन से ही खराब है थोड़ा तबीयत, तो मैंने बोला आज मैं चाय बना लेती हूँ, और दीदी लोग भी आए हैं तो उसने मैंने बोला ठीक है चलो बनाती हूँ। तो जब मैं चाय बनाने गई थी किचन में, उस टाइम पे अचानक से टिंग टोंग बेल बजने वाली, तो फिर मैं ऊपर से नीचे देखा तो देखा अमेजन से एक पार्सल है, तो फिर मुझे लगा कि मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया तो क्या हो सकता है। फिर बोला कि मुझे लगा था कि दीदी का कुछ होगा कि कैश ऑन डिलीवरी, तो उन्होंने बोला कि नहीं कैश ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। तो फिर उसके बाद वो मैंने लिया है, फिर उसको सैनिटाइज करके जब खोला तब मैंने देखा कि एक सरप्राइज गिफ्ट है, और बहुत ज़्यादा खुश हो गई मैं। कल मेरी बेटी का राइस सेरेमनी था तो इस वजह से मुझे गिफ्ट मिल गया, और तो फिर मैं वो दिखाना चाहूंगी जरूर। गेस कर सकते हैं क्या हो सकता है वो गिफ्ट? टन टन ओप्पो का फोन है ये, और इसको मैं खोलती हूँ, एक्चुअली खोल के फिर मेरी दीदी का बेटा है, सब रेडी पेडी करके दिया है मुझे सिम लगा के, तो ये है। ये जो गिफ्ट है ओप्पो का A9 2020, ये गिफ्ट जो है ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है, और ये सरप्राइज़ गिफ्ट था। तो सरप्राइज़ जो है ये सबको बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया ये गिफ्ट, और थैंक यू रॉन ये गिफ्ट मुझे देने के लिए।